नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। रीवा में 2 माह में 310 बच्चों का चश्मे का नंबर बढ़ा है, जिसकी वजह मोबाइल लैपटॉप का लगातार इस्तेमाल है। संजय गांधी अस्पताल की ओपीडी में सितंबर और अक्टूबर माह को मिलाकर कुल 2414 विद्यार्थी अपनी आंखों की समस्या से परेशान होकर अस्पताल पहुंचे। इन 2414 विद्यार्थियों में 382 विद्यार्थी 10 साल की उम्र के थे। इन बच्चों के चश्मे का नंबर बढ़ाने की सलाह नेत्र रोग विशेषज्ञों के द्वारा दी गई है। कक्षा 6 से 12 में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को अपना अधिकतर समय ऑनलाइन पढ़ाई में बिताना पड़ रहा है। यही वजह है कि इन क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की आंखों की समस्या अधिक देखने को मिल रही है। घंटों तक मोबाइल में समय बिताने के कारण बच्चों की इसकी लत भी लग गई है। पढ़ाई के अलावा बच्चों के द्वारा मोबाइल का उपयोग गेम खेलने में भी खूब किया जा रहा है, जिसकी वजह से जिले में आँखों की समस्या काफ़ी तेजी से फैल रही है। इसका अहम कारण ऑनलाइन पढ़ाई माना जा रहा है। कोरोना इफेक्ट के चलते पिछले 2 साल से स्कूल और कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन करना पड़ा, जिसका सीधा असर उनकी आंखों में देखने को मिल रहा है। स्थिति यह है कि पिछले 2 माह में 310 विद्यार्थियों के चश्मे का नंबर बढ़ा है। इन विद्यार्थियों में से 26 बच्चे 7 साल की उम्र के हैं। 284 विद्यार्थी 10 से 18 वर्ष के ऑनलाइन पढ़ाई करने के कारण बच्चों की आंख की ड्राइनेस बढ़ गई है। विद्यार्थियों में पलक झपकाने का प्रतिशत कम गया है। 5 सेकंड में कम से कम एक बार पलक झपकाना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के कारण यह प्रतिशत काफ़ी कम हो गया है, जिसके कारण विद्यार्थियों की आंखों में रोशनी कम हो रही है। विशेषज्ञों की माने तो आंखों में पास और दूर के देखने की क्षमता होती है। मोबाइल लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण आंखों की दूर की रोशनी कम हो रही है। ज़्यादा नज़दीक देखने के कारण आंखें पास की चीज़ें देखने की आदी हो जाती हैं। इसलिए विद्यार्थियों को मोबाइल लैपटॉप सहित आंखों को नुकसान पहुंचाने वाली अन्य तकनीकी चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। विद्यार्थियों में आँख की समस्या काफ़ी बड़ी है। अस्पताल में पिछले 2 माह के अंतराल में 2414 बच्चों की आँखों की जाँच कराई गई थी। आँख में लॉकडाउन के कारण है जो ऑनलाइन क्लासेस हुई है, उसमें बच्चे लोग ज़्यादा मोबाइल के यूज़ किए हैं, और उससे जो मोबाइल से जो रेज निकलता है उसके कारण आँख में बच्चों को बहुत समस्या आ रहा है। उसमें आँख में जलन, सूखापन आँख में आता है। दूसरी बात है कि चश्मे का पावर में भी फर्क आ रहा है। जो लॉकडाउन के बाद में जो ऑनलाइन क्लासेस के बाद में हमारे पास जो बच्चे ज़्यादातर आ रहे हैं वो आई स्ट्रेन करके ले आ रहे हैं, आँख में दर्द होती है, मतलब होता है। तो उनके मुख्य कारण उन्होंने देखा कि चश्मे का नंबर में बढ़ोतरी आई है बच्चों को, है ना, उसमें रिफ्रैक्टिव एरर उनको ज़्यादा हो गया है बच्चों को। ये लगातार कितने बच्चे आ रहे हैं? लगातार पर डे बच्चे आते रहते हैं, मतलब आ रहे हैं, मतलब संख्या बहुत बढ़ गई है। जो पहले लॉकडाउन से पहले जो बच्चे आते थे उसमें बच्चे उतना नहीं आते थे, परंतु अभी लॉकडाउन के बाद में जो ऑनलाइन 2 साल 1.5 साल जो क्लासेस चली हैं उसके बाद बच्चे बहुत आ रहे हैं। स्कूल जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं ना, जो 1st से लेकर 5th तक है, वो बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। और ज़्यादातर बच्चों में देखा गया है कि जो रेज पढ़ रहे हैं, जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं बच्चे, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो जो रेज निकलता है उससे ब्लू लाइट, इससे बच्चों को नुकसान बहुत हो रहा है। सूखापन भी आ रहा है। उनके लिए कुछ सुझाव? उनके लिए सुझाव बोल कह सकते हैं, तो ये है कि बहुत अच्छी बात है कि बच्चों का ऑफलाइन क्लासेस अब शुरू हो गए हैं। कुछ स्कूलों में ऑल्टरनेट जा रहे हैं बच्चे, एक दिन छोड़ के जा रहे हैं, और ऑफलाइन क्लासेस है तो समस्या दिन प्रतिदिन कम ही होगा, परंतु ये बढ़ा है, मतलब चश्मे के नंबर बच्चों को बहुत ज़्यादा संख्या में। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक,
एंगेजमेंट रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।